उसके बदले में अल्लाह नूर पैदा करता है, और जब कोई गुनाह होता है तो उसके बदले में सियाह दाग जो हमारे दिल पे लगता है। अल्लाह ने फरमाया कि शैतान तुम्हें बुराई और बेहयाई के कामों की दावत देता है, वह और तुम्हें इस बात का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह के बारे में वो बात करो जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं है, जिस बात के बारे में तुम नहीं जानते। ये बात बुनियादी तौर पर उन मुशरिकीन के लिए थी कि जो अरब के मुशरिकीन थे मक्का के, वो जब अपने बुतों की पूजा करते तो उन बुतों के नाम पे वो जानवर मखसूस कर देते, उसमें बहीरा, साहिबा, ये हाम, ये जानवर होते थे और उनकी निस्बत मुख्तलिफ तारीफात के मुताबिक। मिसाल के तौर पर भाई अगर कोई ऊँटनी चार बच्चियां देती है और फिर एक बच्चा देती है तो उसको वो बुध के नाम पे छोड़ देते, या एक ऊँटनी जो है लगातार पांच ऊँटनियां देती है उसमें जो है वो बुतों के नाम पे छोड़ देते। और इसी तरह जब वो कोई बुतों के नाम पे जानवर छोड़ते तो उस पर सवारी नहीं करते थे, उसको ज़िबा नहीं करते थे, उसको खाते नहीं थे, और उन्होंने अपनी तरफ से ये बात बना रखी थी कि ये इन बुतों के नाम के जानवर हैं, अल्लाह ताला ने इनको खाने से हराम कर दिया है। तो अब अल्लाह ताला ने ना तो बुतों के बारे में ये फरमाया कि उनकी पूजा करो और ना उनके नाम पे छोड़ने वाले जानवरों को हराम किया, यानी उन्होंने अल्लाह की हलाल की हुई चीज को हराम किया, अल्लाह की हलाल की हुई चीज को हराम किया और ऐलान किया किया कि अल्लाह ने ये बात बयान फरमाई। तो शैतान का ये बात होता है कि वो बंदों की जुबान से वो बात करवाता है जो अल्लाह ने नहीं फरमाई, और वो कहलाता है कि ये बात अल्लाह ने बताई है। तो इस तरह हलाल को हराम कर देना, हराम को हलाल कर देना, ये शैतान के हुक्म की तामील हुआ करता है। तो हमारे माशरे में भी ये बदकिस्मती से बात जो है वो चलती रहती है कि जब हमारे आवामी लोग 5, 10, 15, 20 कहीं पर इकट्ठे बैठे होते हैं या किसी दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में कोई टॉपिक छिड़ता है तो बहुत मरतबा ऐसी बातें सामने आई हैं कि लोग अपनी तरफ से कह देते हैं कि एक गल कुरानी सही, एक गल सारे नबी ने फरमाई। हालांकि वो बात ना अल्लाह की होती है ना अल्लाह के रसूल की होती है, बल्कि हमारे लिए तालीम ये है कि वला तत्तबिउ इल्म, उस बात के पीछे भी ना पड़ा करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। तो जब पता हो कि ये बात वाकई कुरान मजीद में है तो फिर आप दावा करें कि ये बात कुरान में है और अल्लाह ने फरमाई है, या जिस बात के बारे में पता हो कि हजूसम ने फरमाई है वो बात जो है वो हदीस करके बयान की जाए, वरना इसका नुकसान ये है। हजूसम फरमाते हैं कि मन कि जिस बंदे ने मेरी तरफ किसी झूठी बात को मंसूब किया, यानी ये बात मेरी नहीं थी और उसने कह दिया कि ये बात नबी की है, तो हजूर फरमाते हैं वो अपना ठिकाना दोजख समझ लेता। तो ये इस्लाम की ये अब हमारे हम ये जो इंतहा पसंदी है, फिर कवारियत है, इंतशार है, फसाद है, उसकी एक वजह ये है कि दीन के मामलात को उन लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है जो शरीयत के मुताबिक उसके अहल नहीं थे। आवाम के काम मौलवियों ने अपने खाते में ले लिए और मौलवियों वाला काम आवाम ने अपने हाथ में ले लिया, जिस पे मर्जी जहां पे बैठे जो मर्जी फतवा लगा दे और उसके बाद में जो मर्जी कर दे, तो ये कुरान हदीस के खिलाफ है। तो इसलिए शैतान के हमलों में से और शैतान के बारे में से एक बार ये है कि वो तुम्हें अल्लाह के बारे में वो बात कहवाता है जो अल्लाह ने नहीं फरमाई। तो ये उसके तीन खास तौर पर वार होते हैं बंदे मोमिन के साथ, बुराई का दर्स देना, बेहयाई का दर्स देना और अल्लाह के बारे में वो कहलवाना कि जो अल्लाह ने नहीं फरमाया। इसी तरह अगली आयत में फरमाया वाइज़ा कीला ला
वाइजा की लगाहू तबेहू मानसल्लाह। जब उन मुशरिकीन को कहा जाए, काफिरों को कहा जाए, उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाज़िल किया, यानी कुरान के बारे में बताया जाए कि ये अल्लाह ने नाज़िल किया, इसकी पैरवी करो, तो क्या कहते हैं? कालू बल नत्तबेउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पे हमने अपने बाप दादा को पाया है। आबादाउ काना आबाउ लायकुन शय्यन लायकुन, अगर से उनके बाप दादा को अक्ल भी ना हो और वो हिदायत पर भी ना हो, फिर भी उनमें ये जरासीम मौजूद है कि वो कहते हैं हमने कुरान की नहीं मानी, अपने बाप दादा की बात मान ली है। अब ये पैरवी जो है गुमराह लोगों की पैरवी, ये बड़ा ही खतरनाक मामला है और बहुत सारे मामला हमारी सोसाइटी में भी ऐसे हो रहे हैं कि शरीयत की उसमें तालीम नहीं है और लोग नस्ल दर नस्ल अपने बड़ों की पैरवी के तहत जो है उनको करते चले आ रहे हैं। तो ये काफराना सोच है कि भाई कुरान को साइड पे रख दिया, हदीस को साइड पे रख दिया और ये कहना कि भाई हमारे बड़े ये करते रहते और हम इसलिए कर रहे हैं, नहीं, उसमें ये देखा जाए कि बड़ों का काम अल्लाह के कुरान और रसूल के फरमान के मुताबिक है तो उसको आगे चलाते जाए, ये उनके लिए भी सवाब का काम है और तुम्हारे लिए भी सवाब का काम है। और अगर अल्लाह ना करे वो काम अल्लाह के कुरान और रसूल के फरमान के खिलाफ है तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दे, इसमें बेहतरी है बंदा मोमिन की। और इसी को तकलीद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तकलीद। तकलीद का माना होता है किसी की बात बगैर दलील के कबूल करना। हम अहले सुन्नत वल जमात में हम इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, उनके पैरोकार हैं। और ये जो पैरवी होती है, तकलीद करना होती है, इसके बारे में ये मसला आपके जहन में रहे, ये ना तो अकीदे में जायज है, अकीदे में जायज नहीं है। मसलन हम अल्लाह को एक मानते हैं इसलिए नहीं कि इमाम अबू हनीफा की पैरवी, नहीं, अल्लाह है ही एक तो उसको एक मानते हैं, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं इसलिए नहीं कि इमाम अबू हनीफा ने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी है ही ना आखिरी नबी, और कुरान का मसला है, हदीस का मसला है, उनको जो इसलिए आखिरी नबी मानते हैं। ये जो पैरवी होती है ना किसी इमाम की, आलम की, वो इस चीज में होती है कि जब हालात ज़माना की तब्दीली के साथ जब कोई नया मसला दरपेश आता है तो उसके बारे में जो वज़ाहत कुरान और हदीस में नहीं है उसमें आप जिसकी पैरवी कर रहे हैं इसको तकलीद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तकलीद कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल दे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है वो घड़ी है नहीं थी। अब ये घड़ी बाद के दौर की जात है। अब मसला खड़ा हुआ कि घड़ी पहन कर नमाज पढ़ना जायज है या नाजायज है, ठीक है? अब हुजूर के दौर में ये है नहीं और उसका मसला ना कुरान में है ना हदीस में है। तो अब उलमा ने जिन कहनों और जिन कानूनों के तहत उसके जायज या नाजायज होने के बारे में फतवा दिया, इसको तकलीद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तकलीद। इसी तरह कुरान में जो है नशों में से सिर्फ शराब की हुकूमत का जिक्र है, किसी और नशे के बारे में कोई वजाहत नहीं। अब शराब हराम है और बाकी नशों के बारे में हम जो हराम का कौल मानेंगे तो वो कुरान में तो जिक्र नहीं है। फिर उन उलमा की तरफ जाना पड़ेगा जिन्होंने कुरान के जरिए कोई असूल निकाला और उस असूल के मुताबिक उन्होंने बताया कि यह हराम है, यह हलाल है, तो इसकी पैरवी को तकलीद कहते हैं। ये हमें भी जो है अपना थोड़ा इस बात को समझना चाहिए कि जो दूसरे मतलब फिक्र के लोग हम पे ये एतराज करते हैं कि भी आप हर बात में उनकी बात मानते हैं, हर बात में नहीं, हम अकीदे में अल्लाह के कुरान की बात मानते हैं, रसूल के फरमान की बात मानते हैं, ठीक है? जो चीजें अल्लाह ने फर्ज की हैं, जो अल्लाह ने हलाल की हैं, हराम की हैं, उसमें कुरान की बात है, हदीस की बात है। और जिन मसाइल में वास्ते कोई हिदायत मौजूद नहीं थी उसमें जो है हम इमाम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं कि उनकी जो सोच है, उनका जो मतलब नजर है, वो सब इमामों से बढ़कर अल्लाह के कुरान और रसूल के फरमान के करीब है।
हत्ता के अंदर दादा ने अजमेरी में कश्मीर माजूर में लिखा है कि मैंने सरकार इस नाम की ज्यारत की तो आपने अपनी बहन में जो है एक शख्स को लिया हुआ था। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन है, तो आपने फरमाया ये मेरी उम्मत का इमाम अबू हनीफा है। हुजूर ने फरमाया कि इनकी पैरवी करना, जो जो इनकी पैरवी में आएगा वो निजात पा जाएगा। इसलिए हम तो उनकी इसलिए पैरवी करते हैं कि वो सरकार इस्लाम के करीबी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन मुशरिकीन की मिसाल उस जानवर की तरह है कि जिसको आवाज दी जाए और वो आवाज को सुने नहीं। यानी जानवर को एक आदमी हांकता लेके जाता है, वो अपने अंदाज में अपनी इस्तेमाल जानवर को जो भी बात करता है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, आगे चलो, ठहरो, तेज हो जाओ, वो जो भी उसको आवाज देता है, तो वो जानवर ये समझता नहीं है कि मुझे क्या कह रहा है, मुझे क्या कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने उन जानवरों के साथ उनकी मिसाल दी है कि इनको आप तबलीग करते हैं, अल्लाह का कलाम सुनाते हैं, अल्लाह की बात बताते हैं, इनकी हैसियत जो है उन जानवरों की तरह है कि जो सिर्फ आवाज सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। अल्लाह ने फरमाया सुम्मुन बुक्मुन बुम्मिन फुम ला यअक्लून, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं कि इनके कान हैं लेकिन हक बात को सुन नहीं सकते, जुबान है हक बात को बोल नहीं सकते, और इसी तरह आंखें हैं लेकिन हक देख नहीं सकते। अल्लाह ने फरमाया कि इनकी मिसाल है उन जानवरों की तरह है, तो वो कान, वो जुबान और वो आंख के जो हक देख ना सके, हक होने के बावजूद हक देख ना सके, हक होने के बावजूद हक सुन ना सके, हक होने के बावजूद हक बोल ना सके। अल्लाह ने फरमाया कि इनकी मिसाल उन जानवरों की तरह है, ला याकुलून, और इनमें अक्ल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर मुतअद्दिद मकामात पर उनकी इस रविश पर फरमाया कि फस्तकीम कमा उमिरतु, कि आप इस पे कायम रहें जिसका हुक्म दिया गया है, आप तबलीग करते रहें, बताते रहें, जिनके नसीब में होगा वो हिदायत को कबूल कर लेंगे और जिनके नसीब में नहीं होगा वो हिदायत से दूर रहेंगे। तो अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला आज के दरस कुरान से मिलने वाले तालीमी तबलीगी नुकात की रोशनी में हमें शैतान के हमलों से, उसके शर से और उनके वारों से महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हक बोलने, हक सुनने और हक को समझते रहने और उस पर अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लम सिद अल सिद व मौलाना मुहम्मद व नबीना फी लिस्ता करदा तु दुआ व मुकिला या हया कियो या हक नसा इस्लाम की लाइन को सेना अल फताई व सिद व शुरुना कुल